हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों को सेल्फ फेशियल स्टेप्स बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। जस्ट इसके पहले कल एक वीडियो में डाली हूँ जिसपे मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताई हूँ कि आप दूसरों का फेशियल किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे जो है फेस पे प्रेशर पॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें जो है हल्का हल्का सा प्रेशर देके पॉइंट्स दबाने होते हैं, किस तरीके से क्रीम के ऊपर हाथ चलाना होता है, बहुत ही डिटेल में मैं सारी चीजें आपको बताई हूँ। तो आप लोगों ने बोला कि मैम इसके साथ साथ आप हमें सेल्फ का भी बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वैसे तो सेल्फ की भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी कि आप उस वीडियो के साथ साथ जस्ट इसके बाद ये वाला भी वीडियो देखेंगे ना, तो आप दोनों चीजें बहुत ही आराम से सीख पाएंगे। तो चलिए बिना लेट के सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हेयर को टाई करना होगा, तो आप चाहें तो हेयर बैंड या फिर कुछ भी अच्छे से लगा के अपने बालों को इस टाइप से टाई कर लेंगे, क्योंकि फेशियल करते टाइम पे ना फिर फेस पे आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ना फेस हेयर को अच्छे से टाई कर लेना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप से ना फेशियल करने के पहले इस टाइप के बैंड भी आते हैं जो कि आप ऐसा लगा लें और अपने हेड के हिसाब से इसको ऐसा सेट कर लेंगे। ये देखिए, या फिर ना इस टाइप का जो है कोई भी आप बैंड भी लगा सकते हो, कुल मिला के आपके सिर्फ हेयर जो है पीछे की तरफ जाने चाहिए। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगी, फेशियल आपके पास जो भी हो, मैं सिर्फ आपको फेशियल स्टेप्स की जानकारी दे रही हूँ कि आपको फेशियल में किस तरीके से स्टेप्स करने होते हैं, किस तरीके से आपको हाथ चलाना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है। तो मैं प्रोडक्ट वगैरह बिल्कुल आपको नहीं दिखाऊंगी। आपके पास जो भी फेशियल किट हो, करने का तरीका सेम होता है, चाहे आप कोई भी फेशियल किट यूज करें। तो फेशियल का जो सबसे फर्स्ट स्टेप्स होता है वो होता है हमारा क्लींजिंग मिल्क, जो कि फेस को क्लीन करने का काम करता है। तो इस तरीके से मैं देखिए प्रोडक्ट को अलग से बाउल में निकाल ली हूँ। आपके पास जो भी हो, जिस भी ब्रांड का हो, आप यूज कर सकते हैं। इस टाइप से लेना है और पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है। तो क्लींजिंग मिल्क का जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 1 से 1.5 मिनट के लिए रहता है, इससे ज्यादा के लिए नहीं रहता है, क्योंकि इसका काम सिर्फ फेस को क्लीन करना होता है। तो हम फेशियल हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले जो है अप्लाई करने के बाद अपन इसको इस टाइप से मिक्स करेंगे, पूरे फेस पे फैलाएंगे प्रोडक्ट को, जो भी चीजें हम फेस पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ से करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। स्टेप से फेस को पहले क्लीन कर लेंगे और उसके बाद जो है क्लींजिंग में कुछ खास स्टेप्स नहीं होते, सिर्फ हमें फेस को क्लीन करने का काम करना रहता है और इसको इस टाइप से ऐसा क्लीन कर लेंगे, पोंछ देंगे। ये देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप्स पे चलेंगे, स्क्रब। ठीक है, पूरे फेस पे अच्छे से लगाएंगे पहले। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं, मैंने देखा कि कई कई सारे लोग बहुत सारा क्रीम होता है, कुछ भी होता है, एक ही बार में बहुत सारा ले लेते, तो बहुत सारा लेने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा लीजिए, कम पड़ता है तो आप बाद में फिर से लीजिए। अब इसको भी हम पहले अच्छे से पूरे फेस पे फैलाएंगे। स्क्रब का टाइमिंग आपको रखना है 2 से 3 मिनट। ये देखिए, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे सीधे ऐसा। और दूसरों पे कैसे करना था मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके से करना था, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये, लेकिन जब हम खुद का करेंगे तो हमको ये करना है यू। दूसरों का करने के लिए जब हम पकड़ते हैं तो इस टाइप से करेंगे, लेकिन ये अगर हम खुद करते तो ये अनकंफर्टेबल लगता, मतलब बहुत अजीब, अच्छे से करते नहीं बनेगा। तो अपने में करने के लिए हम ये वाला प्रोसेस करेंगे यूं। ये देखिए, 2 फिंगर्स को ऐसा रखना है, ऐसा ऐसा, और ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे। ऐसा। उसके बाद यहां पे फिंगर को रखेंगे और देखना भी ध्यान से यूं।
थंब से करोगे अच्छे से नहीं बनेगा, तो आपको ये फिंगर का सहारा लेना। देखिए के बाद नोज के पास में, तो जितना भी यहां पे ब्लैकहेड्स वगैरह रहते हैं ना इस यहां पे, वो बहुत ही इजिली क्लीन हो जाएंगे। फिर इसको रखेंगे यहां पे, देखिए ये, और इसको यूं साफ करेंगे दोनों अंगूठे के बीच में। इस टाइप से नोज को ग्रिप करना है और यूं ऊपर की तरफ रब करना है। देखिए नोज दबनी नहीं चाहिए, तो दब नहीं रही है, बहुत हल्के हल्के से करना है और ऐसे लेके जाएंगे। उसके बाद हम चिक्स पे यू फिंगर टिप की हेल्प से स्क्रब में भी हमें कुछ खास स्टेप्स नहीं करने होते, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको मसाज करनी होती है। ये देखिए, और अगर आपके फेशियल किट में जो स्क्रब दिया हुआ है उसके जो पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे तो आप आइस के ऊपर नहीं करेंगे, और अगर छोटे छोटे बिल्कुल फॉर्म बेस में रहेगा तो आप कर सकते हैं। स्टेप से फिंगर को रखेंगे और यूं, ये देखिए, इसमें सिर्फ हमें क्लॉकवाइज ही करना है, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरीके से करके हम छोड़ देंगे। इसके बाद टू फिंगर्स को यूं रखेंगे और ऐसा करेंगे, दोनों तरफ उसके बाद यहां पे टू फिंगर्स को रखेंगे और एक उंगली जस्ट इसके बीच में और यूं ऐसा डाउन करेंगे करते हुए। और ऊपर की तरफ ऐसा यूं यूं यूं, तो इस तरीके से आपको जो है 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब का कर लेना है। जैसे 2-3 मिनट कंप्लीट होगा आप इसे क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे क्रीम, और ध्यान रहे कि जो जो आप स्टेप्स करते जाएंगे हर एक स्टेप्स के बाद में आप पानी जरूर चेंज करेंगे। तो अब जो है क्रीम अप्लाई करना है, तो मैं स्टीम वगैरह नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको फेशियल स्टेप्स बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। पूरे फेस पे लगाएंगे अच्छे से, फिंगर को अच्छे से गीला करेंगे और यूं पहले हम ना क्रीम को अच्छे से पूरे फेस पे फैला लेंगे। तो क्रीम मिक्स करने का भी अपना एक तरीका होता है। यहां पे फिंगर को रखेंगे यूं यूं और यूं, देखिए यहां से रखेंगे चिन के पास से ऊपर की तरफ चलेंगे ऐसा। ये देखिए यू इस टाइप से, तो ये क्रीम अच्छे से देखिए फेस पे पूरा फैल चुकी है। अब हम स्टार्टिंग नेक से करेंगे, ऊपर यू
सबसे मेन स्टेप्स हमें क्रीम में ही करने होते हैं। और क्रीम मसाज आप एज के हिसाब से, कम एज है तो 7 से 10 मिनट, उससे ज्यादा तो 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा लोगों की एज है तो कम से कम 25 मिनट 20 मिनट इस टाइप से आपको लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए 2 फिंगर्स रखनी है यूं, और नीचे स्लिप की, फिर नीचे की ऐसा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो इस टाइप से, देखिए यूं ले जाएंगे फिर ऐसा करेंगे, यूं ले जाएंगे फिर ऐसा करेंगे, ऐसा 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 ऐसा। क्योंकि सिर्फ आप यहीं पे करोगे तो ये चीज छूट जाएगी, तो आपको ऐसा ले जाना है इस स्किन को ऊपर की तरफ, और ऐसा ऐसा करने के बाद यू फिर ऐसा। फिर हम आ जाएंगे आईज के ऊपर। आईज के ऊपर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला कंफर्टेबल नहीं लगता है, वैसे तो सबसे सही तरीका ये वाला है आईज के ऊपर करने का, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं आपसे जम रहा है तो आप ये वाला भी कर सकते हो, यूं ठीक है फिर यूं। ध्यान दीजिए पहले ऐसा फिर ऐसा। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा, देखिए यहां पे ऐसा हाथ को रखेंगे और यूं यूं हल्का हल्का सा दबाएंगे ऐसा। फिर ऐसा 2 फिंगर्स रखेंगे और इस टाइप से करेंगे हल्का सा टैप टैप। तो ये करने से ना आईज के पास में बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स लगेगा। देखिए कितना इजीली नोज आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद में मुट्ठी को ऐसा बांधेंगे और इसकी हेल्प से, ये जो हिस्सा होता है इसकी हेल्प से आप ऐसा, ये स्किन को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे इस टाइप से। और ये वाली जो हड्डियां हैं इस पे आप थोड़ा सा प्रेशर भी देंगे, ये वाली। तो फेशियल करने से क्या होता है कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग कभी मसाज वगैरह नहीं लेते, तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है ना, तो ये हड्डियां बहुत ज्यादा ऐसा बाहर की तरफ आने लगती हैं। तो जो लोग फेशियल मसाज लेते रहते हैं तो उनके फेस का जो शेप है ना वो बहुत ही परफेक्ट रहता, बिल्कुल शेप में रहता, कभी भी यहां से ऐसा निकला हुआ ऐसा इस टाइप से नहीं रहता कि यहाँ पिचक जाना, यहाँ पे बहुत ज्यादा निकल जाना। तो फेशियल करने से हड्डियां जो हैं बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में रहती हैं, मतलब ये चीजें निकलती नहीं, वो दबी हुई रहती हैं। तो इस टाइप से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा एयर को अपने मुंह में भरेंगे ऐसा। तो यहाँ पे देखा होगा किसी किसी को बहुत लाइन आ जाती है, तो जो लोग ये करते हैं ना तो उनको ये लाइन की प्रॉब्लम नहीं होती ऐसा।
तो ये आपको कई बार जो है रिपीट करना है फेशियल करते करते। अब हम आते हैं फॉरहेड पे। तो फॉरहेड पे करने के लिए पहले हम टू फिंगर्स को रखेंगे फॉरहेड पे और इसको एक दूसरे को हम क्रॉस करेंगे, इसको हम क्रिस क्रॉस भी बोलते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ पे रखेंगे अपनी चारों फिंगर को और हल्का हल्का सा इस टाइप से करेंगे। तो ये वाला जब हम करते हैं ना तो किसी किसी को जो ऐसी सी लाइन आ जाती है ना इस टाइप से, तो वो लाइन नहीं आती, तो ये चीज़ करते रहना चाहिए। फेशियल वगैरह में जब हम ये सारे स्टेप्स करते हैं ना तो कभी किसी को ना ये वाली लाइन आती है माथे पे और ना ये वाली आती है। तो फेशियल भी एक योगा है, जो कि हम जब फेशियल करते हैं ना तो ये सारे स्टेप्स देते हैं जिसकी वजह से स्किन पूरी तरीके से अच्छी रहती है। ये देखिए, इसको हम प्रॉपर राउंड शेप में घुमाएंगे, 3-3 टाइम आपको करना है। ऐसा करें, ये हो गया। इसके बाद हम अपनी फिंगर टिप की हेल्प से इस टाइप से करेंगे और ये जब हम करते ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ता है और हमारा पीएच बैलेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। आइस के ऊपर आप इस टाइप से थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, ऐसा उंगली को थोड़ी देर के लिए रखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और ऐसा हटाएंगे, फिर रखेंगे, फिर हटाएंगे, फिर रखेंगे, फिर हटाएंगे। और ये जो साइड में होते हैं ना, इनको इस टाइप से आईब्रो को ले जाने के बाद यहाँ पे ऐसा हल्का हल्का सा दबाएंगे। कान पे आप 3 टाइम अप एंड डाउन, नीचे ऊपर, और इस टाइप से मसाज भी करेंगे। और यहाँ पे साइड में देखें, उसके बाद में क्या करेंगे, हम हाथ को यूं रखेंगे और हल्का हल्का सा यूं हाथों को वाइब्रेशन देनी है, फिर इस टाइप से पमिंग यूं करना है, फिर यूं करेंगे, फेशियल अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसको फिनिश करना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे के और छोड़ दिए, नहीं, उसको लास्ट में एंड करने के लिए आप ये सब कुछ करोगे, फिर ऐसा, इसको हम रिलैक्स देना बोलते हैं और फेशियल को फिनिश करना भी यू। इस टाइप से आप जब रखोगे आइस के ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको क्लीन कर लूंगी। तो क्लीन करने का भी तरीका होता है, क्लीन करने के लिए देखिए इस टाइप से आपको रखना है और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे और ऊपर की तरफ ही आप इसे क्लीन करेंगे। ये देखिए 1-1 साइड का, इसके बाद में अप्लाई करना है जेल। तो हर एक फेशियल किट में अलग अलग तरीके से जेल दिया होता है, किसी में क्रीम के पहले करना होता है, किसी में क्रीम के बाद करना होता है, तो जैसा आपके किट में लिखा हो वैसा आप करेंगे। तो इसको जो है प्योर जेल से ही मसाज करेंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी वाटर वगैरह नहीं लेना है। ये देखिए, और फेशियल में अगर आपको बहुत अच्छा ग्लो चाहिए तो जब आप क्रीम मसाज करेंगे तो क्रीम मसाज के टाइम पे आप उसमें सीरम की 2-4 बूंदें ऐड कर लेंगे और जेल को तब तक हम मसाज करेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो जाता। तो ये देखिए पूरी तरीके से स्किन पे चला गया है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसी के ऊपर, इसे क्लीन नहीं करेंगे हम, इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे फेस पैक। तो फेस पैक मैं फिंगर से ही लगा ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मीडियम है, ना बहुत थिक है ना बहुत थिन है, ऊपर की तरफ ही लेके जाएंगे
और ऐसा अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर ली हूँ और इसे मैं कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ये ड्राई होने लगेगा इसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो फेस पैक का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता, ये ड्राई होने के ऊपर है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है, हल्का सा जब ड्राई होने लगेगा वैसे ही आप इसे क्लीन कर लेंगे। सो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ पे आप सबसे मैं हमेशा मिलते रहूंगी। और सेल्फ फेशियल करना बहुत आसान है, बस आपके स्टेप्स बिल्कुल सही होने चाहिए, चाहे अपना करो या दूसरे का करो, हमारे स्टेप बहुत ज्यादा मायने रखते हैं फेशियल में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सेल्फ के साथ साथ जो मैंने कल डाली है उसको भी देखिएगा, ताकि आप दोनों तरीके का फेशियल बहुत ही आराम से कर सके। और हाँ, इस टाइप की वीडियोज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी अच्छे से देख के सब सारी चीजें सीख सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।